नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि अगर अभी मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो कल तक आजाद हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला एक बहाना है और अगर मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो कल तक फ्री हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, मकसद मंत्रियों द्वारा किए गए अच्छे काम को रोकना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी घर घर जाकर प्रचार करेगी और बताएगी कि कैसे पीएम उस सीमा तक जा रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी ने एक बार किया था। केजरीवाल ने कहा कि लोग जवाब देंगे, वो सब कुछ देख रहे हैं और गुस्से में हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, जब से हम पंजाब जीते हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि शराब नीति तो बहाना है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में हो रहे अच्छे कामों को रोकना चाहते हैं। ये इत्तफाक नहीं कि हमारे हेल्थ और शिक्षा मंत्री दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हम काम रुकने नहीं देंगे, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं। आप गिरफ्तार करोगे, हम उनकी जगह और अच्छे मंत्री बना देंगे। दिल्ली के केजरीवाल मंत्रिमंडल में पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना को शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के नाम उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों के दिल्ली मंत्रिमंडल में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की जगह लेने की संभावना है। नई नियुक्तियां इसलिए की जानी है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया को दो दिन पहले ही सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उन पर शराब घोटाले में आरोप लग रहे हैं। सिसोदिया और जैन के इस्तीफे से पहले दिल्ली सरकार में कुल 6 मंत्री थे, इसमें सबसे ज़्यादा 33 में से 18 विभाग मनीष सिसोदिया के ही पास थे। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य विभाग भी सिसोदिया को ही दे दिया गया था। सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजकुमार आनंद ही अब मंत्री हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मांग की कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 2015 में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जासूसी के लिए गठित फीडबैक यूनिट के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दें। संदीप दीक्षित की ये मांग ऐसे समय पर आई है जब विपक्षी एकता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के कई नेताओं ने आप पर निशाना साधा था। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जांच करने की अनुमति दी थी। सीबीआई ने दावा किया है कि प्रतिद्वंदियों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कथित फीडबैक यूनिट का नेतृत्व मनीष सिसोदिया ही कर रहे थे। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी और चीनी विदेश मंत्री से मिलने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनसे मुलाकात की उनकी कोई योजना नहीं है। बुधवार को ब्लिंकन थोड़े समय के लिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दौरे पर थे, जहां से उन्हें G20 की मीटिंग के लिए निकलना था। माना जा रहा है कि नई दिल्ली की बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री क्विन गांग इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पिछले महीने BBC के भारतीय दफ्तरों पर आयकर विभाग की कार्रवाई का मुद्दा उठाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने बुधवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान जयशंकर ने भी ब्रिटेन के विदेश मंत्री से कहा कि भारत में काम करने वाली सभी संस्थाओं को देश के कानून का पालन करना ही होगा। बता दें, पिछले महीने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर IT विभाग ने कार्रवाई 3 दिनों तक की थी। सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। कानून के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए FCRA लाइसेंस का होना जरूरी होता है, यानी CPR अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। FCRA के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के प्रथम दृष्टा साक्ष्य के आधार पर सोमवार को निलंबन का आदेश जारी किया गया। निलंबन के बाद अब पूरी तरह से जांच होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने इस तरह के फंडिंग मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में प्रथम दृष्टया इनपुट के बाद कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है।
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट से काफी सख्त सवाल किए थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने शिंदे खेमे से यह दिखाने के लिए कहा था कि उनके पास राजनीतिक बहुमत है, ना कि विधायी बहुमत। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आप सदन में नहीं, राजनीति में भी बहुमत दिखाओ। महाराष्ट्र में पिछले साल आए राजनीतिक संकट के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को झटका लग सकता है? महाराष्ट्र में आए राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मंगलवार को कहा कि एक सदन के सदस्य व्हिप से बंधे होते हैं। इसने कहा कि यदि सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल के विधायकों का कोई ग्रुप ये कहता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी एस नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ उद्धव ठाकरे खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे से जुड़े मामले को सुन रही है। पिछले साल शिवसेना में फूट से महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट आ गया था। आज भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान व्हिप को लेकर जो टिप्पणी की है वो काफ़ी अहम है। संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, सरकार बनने के बाद विधायकों के किसी समूह के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते। राजनीतिक दल के किसी एक वर्ग के लिए ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। यह स्वतः ही अयोग्यता प्रावधानों के तहत आएगा। आप व्हिप से बंधे हुए हैं। जब तक आप विधायिका में हैं तब तक आप अपनी पार्टी के साथ मतदान करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि विलय ना हो जाए। एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय कौल से सीजीआई ने कहा, इसलिए एक तरफ से उनमें से कोई भी राज्यपाल से ये नहीं कह सकता है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते। जवाब बहुत आसान है, आप गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं फिर अपने नेता के पास जाइए और बाहर राजनीतिक दल में फैसला लो। जब तक आप सदन के सदस्य हैं आप सदन के अनुशासन से बंधे हुए हैं, इसलिए आपको अपने राजनीतिक दल के साथ मतदान करना ही होगा। घरेलू गैस के दाम फिर से बढ़ाए गए हैं। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बुधवार से 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इस तरह अब ताज़ा बढ़ोतरी के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 1103 रुपये हो गई। इसके साथ ही पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बुधवार से तत्काल प्रभाव से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350.50 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की। बदली हुई कीमतों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2119 रुपये यूनिट हो गई है। इस साल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी की कीमतों के बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपये से कम था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर का दाम 1100 रुपये से ज्यादा हो गया है, क्या आज भी सड़क पर उतरेंगी? बुधवार को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या में फरार चल रहे बदमाशों के घर पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में आज प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर अहमद का घर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया है। जफर को अतीक अहमद के सबसे अहम करीबियों में माना जाता है। वो अतीक के घर के बगल में रहता था। खाले जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार बरामद हुई। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों बंदूक लाइसेंसी हैं या नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम का घर भी बुलडोजर से गिराने की तैयारी है। गुड्डू अतीक से पहले मुख्तार अंसारी, अभय सिंह और बबलू श्रीवास्तव गैंग के साथ कई वारदातों में शामिल रहा है। 1998 के बाद वो अतीक अहमद गिरोह के संपर्क में आया। उसे राजूपाल हत्याकांड में अतीक के साथ आरोपी पाया गया था। सीबीसीआईडी की चार्जशीट में भी गुड्डू का नाम शामिल था। इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के मामले में भारत लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के बढ़ने का संकेत नहीं है। दरअसल इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सिस नाउ ने कहा है कि भारत ने 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन लगाए हैं। ये लगातार 5वां साल है जब सूची में भारत सबसे ऊपर है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर कोई भी देश गर्व नहीं कर सकता। इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि किन्हीं वजहों से किसी हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया जाए। ये आमतौर पर हिंसा फैलने से रोकने, विरोध प्रदर्शन को बढ़ने से रोकने जैसे उपाय के तौर पर सरकारों द्वारा अपनाया जाता है।
न्यूयॉर्क स्थित डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि एक्सिस नाउ द्वारा विश्व स्तर पर रिकॉर्ड किए गए 187 इंटरनेट शटडाउन में से 84 भारत में हुए, इसमें से भी 49 जम्मू और कश्मीर में हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दाढ़ी बढ़ाकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी की अब नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो नए लुक में नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, इस दौरान वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी गए। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राहुल गांधी की नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में राहुल गांधी शर्ट, टाई और जैकेट में ट्रिम्ड बियर्ड के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाकर ही दिखे हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेता उनको तपस्वी बताने की कोशिश में लगे हुए थे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में पूरी तरह से लड़खड़ा गई और मात्र 109 रनों पर सिमट गई। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत के 109 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 156 रन बना लिए हैं। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया टीम अब तक 47 रनों की बढ़त बना चुकी है। मैच के दूसरे दिन भारत की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया की पारी को खत्म किया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में ही बड़ी बढ़त को लेकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।